क्या नाम है आपका? शान अली सर। कहाँ से हैं आप? यूपी। चेहरे पे बहुत चमक है। Yes, काम सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल सर, सीखने को मिल रहा है। ये बताइए, क्या क्लास थी आज आपकी? आज हमारी LCD ग्राफिक्स की क्लास थी। डिस्प्ले ग्राफिक्स की क्लास थी आपकी। डिस्प्ले ग्राफिक्स किनके साथ था आपका? देव सर के साथ। देव सर के साथ जी। तो डिस्प्ले आपने क्लास पूरी अटेंड करी? हाँ, फुल अटेंड की। पूरी अटेंड की। अटेंड करने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। कोई सी ऐसी चीज़ जो आपके जो डिस्प्ले ग्राफिक्स सेक्शन में आती हो और आपको बताई नहीं गई हो, या आपको उसका नॉलेज नहीं हो? नहीं नहीं, अभी तक तो सर सारी सप्लाई बताई। सारी सप्लाई का आपको नॉलेज है। अच्छा, तो अभी ये क्या कर रहे हैं आप? ये सर मेरा एक फ़ोन है, Nokia 2.1। Nokia 2.1। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें ये प्रॉब्लम थी, इसका ये कॉयल है ये थोड़ा टूटा हुआ है। प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर? इसके अंदर प्रॉब्लम थी, ग्राफिक्स नहीं आ रहा था। हाँ। ग्राफिक्स नहीं आ रहा था, तो फिर आपने क्या डायग्नोस करा इसके अंदर? कौन कौन से वोल्टेज देखे सबसे पहले? सर सबसे पहले तो वोल्टेज देखे, ठीक है, +5 वोल्ट। +5 वोल्ट, और उसके बाद? फिर -5 वोल्ट, और उसके बाद? फिर 1.8 वोल्टेज। ये आपको प्रॉपर मिले? बिल्कुल। प्रॉपर मिलने के बाद अब तुम्हारे केस कहाँ चला गया? MIPI मतलब CPU के साइड जी, है ना? आपका केस कहाँ चला गया? CPU के साइड। थोड़ा सा आपने बोर्ड पे डायग्राम भी बनाया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? ये अपना CPU रहता है जी, और उसके बाद ये हमारी जो कॉइल लगी रहती है, EMI कॉइल को बोलते हैं। डुअल कॉइल होती है क्या? डुअल कॉइल। अच्छा, इसको हम स्कीमेटिक में EMI के नाम से भी देख सकते हैं। तो ये जो हमारी कॉइल है, तो इसका जो अगर इस साइड पे रखेंगे तो बीप आना चाहिए, और इस साइड भी GR आना चाहिए, इस साइड भी आना चाहिए, दोनों तरफ GR आना चाहिए। हाँ। है ना? तो अगर आप अगर इसको ओपन करके डायरेक्ट मल्टीमीटर लगाएंगे तो आपको बीप देगी, पर बाकी हाँ। आप इसकी कोल्ड टेस्टिंग करेंगे तो आपको दोनों साइड GR आना चाहिए, दोनों तरफ GR आएगा। तो मैंने सारे पिनों पे GR चेक किया, ठीक है, तो फिर मेरे को एक साइड GR मिला, एक साइड नहीं मिला। उसके बाद मैंने वो कॉइल हटाई और उस पर जंपर मार दिया। अच्छा, अब ये सफिशियंट कॉइल नहीं है, तो उसको बाद में हम चेंज कर देंगे, अभी अपने जंपर मार के प्रॉब्लम सॉल्व कर। बताइए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आप, बताइए। बहुत बड़ी बैठे, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसमें लाइट वाइट चल रहा है कि नहीं चल रहा है फोन में? लाइट आ रहा है लेकिन ग्राफिक्स नहीं आ रहा प्रॉपर। तो जरा हमको सबसे पहले आप ग्राफिक्स का जो लाइट ग्राफिक्स नहीं बन रहा है आपका, लाइट बन रहा है, लाइट जला के हमको दिखाइए वीडियो में। अच्छा, क्या है, लोगों को फेक लगता है? एक डिस्प्ले कनेक्टर पे क्या क्या लाइनें आती हैं आपको सारी चीज़ें पता है? यस सर। देखिए कोई ग्राफिक्स नहीं है। लाइट लाइट जल रही है क्या इस पर? हाँ, ब्लू डिस्प्ले है सर, ब्लू डिस्प्ले है। बहुत माइनर सी लाइट है, बहुत माइनर सी लाइट जल रही है। चलिए ठीक है, तो अभी हमको इसमें जंपर करना है। आपने इसको डायग्नोस कर रखा ना ऑलरेडी? यस सर। चलिए ठीक है, करके बताइए। मैं थोड़ा कैमरे में जूम कर देता हूँ। आप यहाँ आपको यही कॉइल फॉल्टी मिली है? यस सर। SMD निकाल लीजिए। ये लाइन सीधा CPU से आती है, बाई द वे रेयर केस में भी अगर आपका उखड़ा तो सीधे CPU काम करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप में दिख रहा
बिल्कुल बहुत बढ़िया सही है। चलो थोड़ा फूक फूक मारो ठंडा ना करो। देखिए एक बार इस पर एक जी आ रहा है तो फिर अब इधर भी जी आर आने लगा जो कि पहले नहीं आ रहा था। इधर भी जी आर आ रहा है और इधर भी जी आ रहा है। यस सर। चलो ये हमारा ऑन हो जाएगा फोन देखने से। ऑन तो पहले से था, ग्राफिक्स का इशू था ना इसमें। ग्राफिक्स को लेके ऑन हो जाएगा। अच्छा पावर की लगा सर ये ब्लॉक हो जाए ना पहले। आना प्रेस आना वाला बटन दबाओ। लगाओ तो मेरे लाइन लगी है। अरे कहाँ लाइन जैक बैठाओ ये लगाओ अभी जी। देखिए अब इस पर ग्राफिक्स आ गए जो कि पहले नहीं आ रहे थे। ये फॉल्ट इसका समझ में आया आपको कहाँ से दिक्कत थी? बिल्कुल सर। एक बार क्लैपिंग करिए इनके लिए। तो ये बताओ मेरे को ये बताइए आप मेरे को आपने इसको डायग्नोज करा खुद से करा या कोई दूसरे ने करा या कोई टीचर ने करा आपको बताइए आपने टीचर ने करा क्या किसी टीचर ने करा क्या इसको? नहीं सर। फॉल्ट आपको समझ में आया? बिल्कुल। प्रॉब्लम कहाँ से समझ में आई? सीपीयू से। सीपीयू से दिक्कत थी। सीपीयू की लाइन कौन सी लाइन कहलाती है? MIPI। MIPI की लाइन ब्रेक थी आपकी। एक साइड जीआर आ रहा था और आपके कनेक्टर के साइड जीआर नहीं आ रहा था और बीच में लगा था MIPI कॉइल। तो कैसा लग रहा है ये काम करके? बहुत बढ़िया सर। ये काम खाली तुम कर सकते हो या पूरे एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट? पूरा एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?